और मुझे एक रिक्वेस्ट मिली है मेरे एक अच्छे मित्र से जिनका नाम अमृत बांग है, मुझे इनसे मिलने का मौका यहीं पे मिला था इरमा के अंदर, शायद वो जुलाई अगस्त 2010 में यहाँ आए थे, 10 साल पहले आए थे, और उससे उनकी उम्र शायद 24 साल की थी। और यकीन मानिए, आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम अमृत दैट यू कैन नॉट इमेजिन। इनफैक्ट थैंक्स टू हिम दैट आई लर्नड अबाउट गढ़चिरौली, थैंक्स टू हिम दैट आई लर्नड अबाउट शोधग्राम, थैंक्स टू हिम दैट आई लर्नड अबाउट डॉक्टर अभय जी एंड डॉक्टर रानी जी बांग, एंड देन आई हैड अ चांस ऑफ रीडिंग व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे आर डूइंग इन फैक्ट। और उसके बाद में मेरी खुद की भी लाइफ बदल गई, मेरी जिंदगी के अंदर जो थोड़ा बहुत एक मोड़ आया, जो भी मोड़ आया उसके अंदर काफ़ी सारी जवाबदारी, अगर मैं देना चाहूँ किसी को तो उसके लिए जवाबदेह शायद अभय बांग जी भी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा पीस लिखा था सेवाग्राम से शोधग्राम, जो शायद मैंने कम से कम 50 सवाल पढ़ लिया होगा, मुझे हर पेज की हर लाइन याद है। तो ये इसका प्रभाव मेरे पे इतना पड़ा था। उसके बाद में मुझे एक मौका मिला, दो बार मौका मिला मुझे बल्कि, कि जब मुझे ये मौका मिला गया, कि मुझे दिया गया मौका, अमृत ने मुझे मौका दिया था, मुझे उन्होंने गढ़चिरौली में बुलाया था, शोधग्राम में बुलाया था एड्रेस करने के लिए निर्माण के मित्रों को, और मुझे लगता है कि उससे अच्छा मैंने शायद मौका मुझे कहीं और मिला नहीं। इतने अच्छे अच्छे मित्र आए थे वहाँ पर, यंगस्टर्स आए थे, एंड आई कुड स्पीक टू दिस पीपल हु केम फ्रॉम वेराइटी ऑफ स्कूल्स, टॉप स्कूल्स इन द कंट्री दैट टाइम। Somebody was a doctor from some of the top medical schools, somebody is an engineer from the IIT, somebody was working in a government, somebody from the power sector, somebody from the public policy sector, and various sectors they were there. And the way they were indulging themselves into different activities, taken up at that moment of time in terms of learning and doing something besides doing normal job, they were all working. It was amazing, mind-boggling. Mehrma ke andar ek shikshak hu. I joined IRMA sometime around 95, it was precisely in July 95. मैं क्यों आया IRMA में, क्यों आ गया? इसके जो roots हैं वो roots हैं मेरे IIT days के। दिल्ली IIT से मैं graduate हुआ 1977 के अंदर, उस समय मेरी उम्र शायद 21.5 साल की थी, और मुझे मौका मिला मास्टर्स करने का जॉर्जिया टेक में, अटलांटा के अंदर। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे उस असिस्टेंटशिप के एवज में आई हैड टू वर्क फॉर ए टीचर, ही वाज ए प्रोफेसर इन द अंडर ग्रेजुएट स्कूल एंड आई यूज्ड टू असिस्ट हिम, एंड आई फाउंड दैट इन द क्लासरूम व्हेन ही वाज हैंडलिंग अ क्लास, इट वाज लाइक मैजिक, शियर मैजिक। इतना अच्छा पढ़ाता था कि उसकी मतलब कल्पना मेरे कल्पना के बाहर हुई थी। तो मैंने पता नहीं कैसे अपने आप से कह दिया एक दिन कि ऐसा मैं टीचर बनूंगा, एक दिन जरूर बनूंगा। पर मेरे लिए वो दिन 95 में आया। ट्रस्ट मी, माय लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर दैट। बट इन IRMA आफ्टर कमिंग हियर आई रियलाइज्ड दैट द काइंड ऑफ वर्क दैट वाज हैपनिंग विद द ग्रास रूट्स, विद द कोऑपरेटिव्स, विद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, and my entire culture was very different, and this is completely different, and I found value in this. Apart from that, I valued that this is the world where you get satisfaction of working for somebody, which I never got in the previous companies, by the way. So that was something very unique, very different, and I enjoyed it thoroughly. Now I see this youth in this age group of about 20-21 to about 30-35, tremendous change has taken place. What are challenges today? I see the biggest challenge I find is people do not have a clarity of what they want. वो clarity नहीं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, यहाँ कोशिश कर लेते हैं वहाँ करते हैं, वो मिला तो वो करेंगे, वो मिला तो वो करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक दिस डजेंट टेक अस एनीवेयर, नंबर वन। नंबर टू, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई टाइम, मैं टाइम नहीं देता हूँ। आज की तारीख में मैं अपना सारा टाइम इसको देता हूँ, स्मार्टफोन को देता हूँ, 4-5-6 घंटे इसमें दे देता हूँ मैं, और मुझे लगता है मुझे ज्ञान मिल रहा है, मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, क्लास में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है, वहाँ ज्ञान मिलता है, यहाँ ज्ञान नहीं मिल पाता है। इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाती है,
शायद कुछ ज्ञान भी मिलता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लर्निंग करते हैं कोर्सेज के द्वारा वो भी मिलता है, चॉइस आपके पास है, पर ये बहुत टाइम ले जाता है आज की तारीख में। सोशली हम लोग कट ऑफ हो गए हैं, हम लोग इससे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप में रह जाते हैं, रूम में बैठ के बंद होकर अपना काम कर लेते हैं, अकेलापन आ जाता है अपने काम करने में, और उस तरह का वो एटीट्यूड बन जाता है कि कोई आता है तो पसंद नहीं आता है, घर में आता है तो पसंद नहीं आता है, सब चैलेंजेस हैं सब। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ करना है तो अपने को एक तो एक ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी के अंदर, वो क्यों करना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम मैं निर्वाह करूँगा, आई विल फिल अप माई स्टमक एंड आई विल मेक अ लिटिल हाउस एंड हैव अ लिटिल कार एट्सेट्रा एंड बैंक बैलेंस, दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाइजीन फैक्टर्स जरूरी हैं, पर इसके बाद में क्या, मेरा रीज़न क्या है एग्जिस्टेंस का, मैं क्यों हूँ, मैं किसी के लिए हूँ, किसी का कुछ तो पर्पज़ सर्व करूँ मैं यहाँ पर। अगर वो क्लैरिटी नहीं आती तो आई थिंक वी आर वेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ टाइम, दोबारा नहीं मिल पाती हम लोगों को। आज सब व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे 5-star जॉब मिल जाए, मैं उसके लिए फीस देने को तैयार हूँ, मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि मुझे 1 साल में मेरे पैसे वसूल हो जाएँ। तो सारा का सारा जो खेल है आज का पूरा प्लेसमेंट के ऊपर हो गया, वो नौकरी पर हो गया। संतोष कहाँ मिल रहा है वो निकल गया, नहीं चलता है इसको, नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं मिलता। तो क्या होता है कि 6 महीने में हम काम छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कहीं और भाग जाते हैं। पर कोविड के बाद 3-4 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। नंबर एक, कोविड के बाद में काम का मिलना और काम का टिकाना, सस्टेन करना इतना आसान नहीं रहा। नंबर टू, पीपल आर गोइंग टू बी नॉट टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क फॉर, नो दे विल नॉट, दे टेक फ्यूअर पीपल एंड मेक देम वर्क रियली हार्ड। So we call it now the new normal now. The old normal is gone. Before March 22nd, whatever that normal was gone, is gone. Now the new normal is gone. Work from home does not mean that I'm going to stay at home and not work. Work from home basically means that I'm going to work 12 hours and 13 hours. People will demand that. In fact, it's going to be working harder. And 24/7, all 7 days a week you're going to work. Now that's going to happen. And that's happening now. Now we should be ready for that. And more important things, some blessing in disguise also happened. Today, for example, I can talk about myself and my spouse. Today, we can survive. Literally, we can survive. As I put it bluntly, अगर 15 पैकेट मेरे घर में है तो हम लोग सर्वाइव कर लेते। एक में आटा है, एक में थोड़ी दाल है, एक में चावल है, एक में कुछ और मसाले हैं शायद, एक में थोड़ी चीनी है, एक में थोड़ी चाय है। ये चीज़ें अगर मेरे घर में पड़ी हैं तो मेरा निर्वाह हो जाता है। अब मैं जब देखता हूँ कि इनमें खर्चा कितना आता है, तो खर्चा कुछ भी नहीं आता है सर। और पहले लाइफस्टाइल एकदम अलग थी। 1 घंटे की मीटिंग मुझे करनी है तो उसके लिए मैं 15 घंटे यहाँ अहमदाबाद जाऊँगा, अहमदाबाद से फिर मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से फिर मैं एयरपोर्ट से कहीं और जाऊँगा, वहाँ पर मैं 2 घंटे वेट करूँगा, फिर मीटिंग 1 घंटे की करूँगा, फिर आगे एयरपोर्ट पर वेट करूँगा, फिर मैं वापस आऊँगा अहमदाबाद, फिर वहाँ से फिर टैक्सी लूँगा, फिर यहाँ आऊँगा। तो वो 12-13 घंटे के अंदर 1 घंटे काम होता था। अब तो ऐसा कहाँ रहा सर, 1 घंटे का काम करने के लिए मैं 1 घंटा देता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ। दिल्ली वाले भाई मित्र दिल्ली पे बैठ जाते हैं, साथ में काम करते हैं, पूरी दुनिया बदल गई। दिस आर न्यू चैलेंजेस फॉर अस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम। हम अपनी जिंदगी के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है कम करते हैं, रिक्वायरमेंट्स, मेरी नीड्स की बात करता हूँ मैं, डिजायर की बात नहीं कर सकता हूँ, उसके तो मतलब इनसेटाइबल है। अगर इफ आई टॉक अबाउट माई रिक्वायरमेंट्स आई रिड्यूस देम सेल्फ, बिलीव मी, इवन अ जॉब, इफ इट इज अ जॉब, आई फॉर मी इट्स नॉट अ जॉब, फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग हियर, इफ यू गिव मी 10% ऑफ द सैलरी आई एम गेटिंग टुडे, आई विल स्टिल वर्क फॉर दिस बिकॉज आई एंजॉय माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई लव टू टीच हियर, आई लव टू ट्रेन हियर। सिमिलरली इफ आई कैन रिड्यूस माई नीड्स, आई कैन एक्चुअली वर्क फॉर मच लेस एज मनी, देन माई मनी विल नॉट बॉदर मी। If my incomes don't bother me, then ROI doesn't bother me. Then what will happen is I'll go to any school, good school, which doesn't have a fancy name, which will get me a fantastic job, campus placement, but achhi school mein jaake achhi padhai karunga, aur main bahar aake ek chhota sa kaam leke bhi uske andar main apna nirvah bhi karunga aur satisfaction bhi lunga. Par ant yahan nahi aata. Koi bhi naukri main karta hu, aaj nirmani jo hota hai, nirman mein jo aata hai, usme aur ek vyakti mein antar kya hai, jo vyakti sirf kaam karta hai, nirmani ke paas जब वो आता है वहाँ पर तो शायद खाली माइंड से आता है, ओपन माइंडेड इसलिए वो पहुँच जाता है, ओपन माइंडेड अगर नहीं हो तो पहुँचता भी नहीं, पर वो पहुँचती भी नहीं शायद, पर वहाँ पहुँचने के बाद में वो उसको प्रतीत होता है कि यार दुनिया इसके अलावा भी है, 9-to-5 के अलावा दुनिया एक है, और जो बहुत संतोषकारक दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है सर। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक जिंदगी का एक आपका सार्थक होना बहुत सहज हो जाएगा, इट बिकम वेरी ईजी। And finally, my friends, a question that came to me from Amritji is, what drives me personally?
Yeah, believe me, I look at every day as a, at my age, every day is a bonus for me. It could be for any age for that matter. So that's not a point. But the point is, I have been taking it like this for last many years now. So I won't go to sleep with a feeling that I'll kuch reh gaya. Jo hai wo kar lo. Jitna haath mein aata ho kar lijiye. कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है कोई. और बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग मत कीजिए, मैं नहीं करता हूँ. आप कीजिए तो मुझे इतराज़ भी नहीं करिए, आराम से प्लानिंग करिए. आप 10 घंटे 10 साल 25 साल का प्लानिंग कर लीजिए, मैं नहीं करता हूँ. मैं कहता हूँ कि आज ये आया है, इसको करना है, खत्म करना है, पूरा करना है. हाँ, अगला 1 साल 2 साल 3 साल का होराइजन होना चाहिए, व्यक्ति का होना चाहिए, संस्था का भी होना चाहिए. सर, इससे आगे की मैं बात करता हूँ तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं. किसने सोचा था फरवरी के अंदर कोविड के बारे में? हु न्यू अबाउट इट, हु थॉट अबाउट इट कि हम लोग इतना बंधक बना देगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर. तो मुझे लगता है कि जिंदगी को एक जिंदगी में आने का पर्पस समझ के उसको करने के लिए लग जाए. और अगर एक अच्छी संस्था में काम करना चाहें जहाँ से कुछ आप आगे सीखना चाहें, तो मैं गुजारिश करता हूँ और बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, गढ़चिरौली जाइए. इतना बढ़िया माहौल, इतना बढ़िया काम करने का तरीका और काम करने की सूझबूझ और एक नई जिंदगी देना अपने आप में, ये हर संस्था तो नहीं कर पाती है और निर्माण करती है. इसके लिए मैं बहुत गर्वांतित हूँ कि मैं ऐसी संस्था के साथ में जुड़ने का मुझे एक बार मौका मिला था. और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि मैं बहुत जल्दी रिटायर होने वाला हूँ, तो उसके बाद में अगर मुझे अमृत जी बुलाते हैं तो ठीक, और नहीं बुलाते हैं तो भी ठीक, मैं तो वहाँ पहुँच ही जाऊँ. मेरे क्योंकि मेरे लिए शायद वो एक पिलग्रिमेज है. आई बी वेरी हैप्पी गोइंग बैक देयर अगेन एंड अगेन. God bless you all. Namaskar. Thank you very much. धन्यवाद. अब मैं ये मास्क भी अपना बंद कर देता हूँ क्योंकि ये SOP है मेरे लिए. Thank you very much.